विगत एक सप्ताह से ब्राह्मण पत्रकारों को गाली देते हुए पुलिस अधीक्षक से 5,000 रुपए प्रतिमाह दिलवाने की बात कहते हुए राजीव शर्मा नामक व्यक्ति का जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसे लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सहित ब्राह्मणों के तमाम संगठनों ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह को देकर वायरल हो रही ऑडियो में गाली देने वाले दोषी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर ऑडियो की फॉरेंसिक जाँच कराने की मांग की गई है। होली से कई दिन पहले से 7 तारीख से सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें ब्राह्मण समाज को बहुत ही अपमानजनक शब्द और गालियां दी जा रही थी एक व्यक्ति के द्वारा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति को वो पहचानते हैं, उस व्यक्ति की आवाज़ को भी पहचानते हैं। वो व्यक्ति कहीं कहीं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ इसी शहर का व्यक्ति, इसी जिले जनपद का व्यक्ति है। ब्राह्मण समाज ये मांग कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति की इस ऑडियो की जांच कराकर उस आवाज़ को प्रामाणिक रूप में लेकर जिस व्यक्ति की भी जो आवाज़ है उसके खिलाफ विधिक कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में ऐसे लोग जो हिंदू समाज को, हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जातिगत द्वेष भावना फैलाने की कोई भी बात कर रहे हैं, उनको उनके लिए एक कठोर संदेश जा सके। और साथ ही साथ मैं तो ये मांग करता हूँ कि सारे समाज के लोग ब्राह्मण समाज के साथ इस आंदोलन में आकर के खड़े हों। ये प्रश्न सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं है, और ब्राह्मण समाज ये बात सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये प्रश्न सिर्फ हिंदू, ये प्रश्न हिंदू समाज को एकत्रित करने का और तोड़ने का है। ऐसा व्यक्ति जो इसी जात विशेष को गाली देकर हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ सारे समाज को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। तो अभी आपके एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि कार्रवाई की जा रही है, शिकायत के आधार पर उस ऑडियो की जांच की जा रही है, और अति शीघ्र ही इस विषय में प्रशासन शीघ्र ही किसी किसी निर्णय पर पहुँच कर उचित कार्रवाई करेगा। आपको बताएगा ना अत्यंत आवश्यक कि जनपद शाहजहाँपुर कोतवाली अल्लागढ़ निवासी एक पत्रकार राजीव शर्मा द्वारा समय पूर्ण से ब्राह्मण समाज को ना सिर्फ बदलने गालियाँ देने तथा ब्राह्मण समाज का समूल नाश के यानी कि शामिल रूप से चेतावनी दी जाने से समूल ब्राह्मण समाज आहत है। ब्राह्मण समाज के द्वारा शामिल रूप से चेतावनी देने के बाद समस्त ब्राह्मण समाज आहत है। ब्राह्मण समाज के द्वारा उक्त ब्राह्मण विरोधी पत्रकार के विरुद्ध कोतवाली अल्लागढ़ में तहरीर देकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अल्लाह पंजीकृत तत्काल गिरफ्तारी कर मांग एवं ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करने की मांग की गई है। मगर कई दिनों बीत जाने के बाद कोतवाली अल्लागढ़ पुलिस द्वारा पत्रकार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। पुलिस के इस रवैये से एक